ಅಲ್ಲಿಯಾ ಯಾವ ತಾತ್ಕ ಪಡಿ ಯಾಕಿದೆ ರಿಯಲಿ ತಾತ್ಕ ಪಡಿ ಕೈ ಕಿಸ್ತಾ ಹೈ ಕಿಸ್ಮತ್ ನಮೆ ಇಸ್ಕೆ ಸಮಝಾ ದಿಯಾ ತಾತ್ಕ ಪಡಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಕಲಿಶಾ ಕೋ ದಿಸ್ತಾ ದಾತಾ ಹೈ ರೈತಲಾ ಪ್ರಭು ಬೋಲಾ ಪಕ್ಕೆ ಕೇತ ಬೋಲ್ತೆ ಮರ್ದು ಕಮ್ಮೆ ತರಸ್ಕಾಯಾ ವೋ ಕೇತ ಕೆ ಬರ್ಮೆ ತರಸ್ಕಾಯಾ ನೇ ಕಿಸ್ ಕೆ ಬರ್ಮೆ ತರಸ್ಕಾಯಾ ಲೋಗ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೆ ಬರ್ಮೆ ತರಸ್ಕಾಯಾ ಇಸಿ ತರಹ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ तो दांत का बाड़ी क्या है वो कलिशा को दिखाता है हालेलुया ऐसा हम उस खबर में हम देख चुका है अब ये दांत का बाड़ी के अंदर में क्या रहता है छोटे छोटे लोमड़िया रहता है हालेलुया क्या रहता है छोटे छोटे लोमड़िया कलिशा में रहता है उससे हम लोग संभालना है वो कहाँ रहता है दांत का बाड़ी के अंदर में रहता है दांत का बाड़ी का अंदर में ही रहकर दांत का बाड़ी को क्या कर देगा बर्बाद कर देगा खाट देगा नाश कर देगा पूरा फल को वो खा लेगा अंदर में वो अपना को ये बनाकर तो क्या बनता है उसका घर बनाता है मिट्टी के अंदर में क्या बनता है उसका मांस तो जमीन के अंदर मांस बांधता बनाता है उससे दांत का लता का दांत लता का जो जड़ है कट हो जाता है इससे दांत लता सूख जाता है कितना में समझ में आ रहा है हालेलुया अब इतनी दुला से बोल रहा है हमारा जो बहुत अच्छा दांत लता हुआ है बहुत अच्छा दांत का बड़ी हुआ है लेकिन क्या है वहां पर लोमड़ी आ गया हालेलुया आप कहीं पर भी दांत का बाड़ी को बढ़ा दे दांत का बाड़ी को बढ़ा दे लेकिन लोमड़ी का अंदर लगा कर छोड़ दे नहीं लेकिन लोमड़ी जहां पर अच्छा सा फल देने वाला दांत का बाड़ी है उसका अंदर वो आपका आ जाता है उसको बुलाने का जरूरत उसको बुलाने का जरूरत नहीं हमारा घर में चुहा को बुलाते लेकिन चुहा क्या होता है कैसे समझ आता है आता नहीं आता कोई आदमी छोड़ता है नहीं हमारा घर में थोड़ा चुहा लेकर सच्चा है ठीक है चार पांच चुहा लेकर दे दो तुम लोग फूलो फलो बोलो मेरा घर को भर दो बोलते कभी नहीं लेकिन हम घर बना दे अभी देखिए नया घर का उनका क्या हो रहा है अभी वो धराई हो रहा है सुबह जाकर प्रार्थना करके आया हालेलुया अभी वो धराई हो रहा है तो वहां पर चुहा है लेकिन जब पूरा घर बना देगा उसमें बसेगा खाना पीना होगा चावल बेसन पानी डम कर देगा तो चूहा ऑटोमेटिक आ जाता है कीर्तन में समझ वाला है हालेलुया इसी तरह जो कलीसिया खोखला है खाली है कुछ भी नहीं है उधर लोमड़िया नहीं आता है हमें लोमड़िया क्या खाता है अमरूद को खाता है क्या खाता है अंगूर को खाता है लोमड़िया क्या खाता है अंगूर को खाता है रेतला पूरा जम करके अंगूर को खा देता है तो जब वो दांत का बाड़ी में बढ़ता है बहुत अच्छा दांत लता आता है तब लता छाया हो जाता है और अच्छा अच्छा फल आना शुरू हो जाता है तब क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या करता है तो दांत का बाड़ी में आपको क्या हो जाता है लोमड़िया आना शुरू हो जाता है क्या है उसी तरह तो चर्च में भी ऐसा होता है चर्च में भी ऐसा होता है जब एक चर्च भर जाता है आत्मा से भर जाता है प्रभु के लिए फल देना शुरू करता है प्रभु का सेवा करना शुरू करता है प्रभु के लिए आत्मा जीतना शुरू करता है बहुत लोग यहां से मरकर अनंतकाल के जीवन में जाना शुरू कर देता है बहुत लोग नरक से बच जाता है बहुत लोग शैतान की मूर्ति से आजाद हो जाता है तब शैतान क्या करेगा मन में इसके अंदर लोमड़िया का बीज हालेलुया हालेलुया क्या मिलेगा लोमड़िया तो लोमड़िया क्या है उसके अंदर आके उसके वहां पर मांत बनाएंगे मांत बनाकर उधरी देकर उसको नष्ट कर देगा हालेलुया कलीसिया में भी ऐसा है भाई बहुत से लोग कलीसिया का अंदर में ही देखकर कलीसिया का फल खाके कलीसिया को ही बर्बाद करेगा बहुत लोगों ठोकर फैलाएगा हालेलुया बहुत प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों को बोलकर लोगों को
देगा, क्योंकि साहब बाइबल लेकर आने वाला विश्वासी, अन्य भाषा बोलने वाला विश्वासी, उन्हीं को ही शैतान क्या करता है, जो कम चुरे उन लोगों को अपना मुट्ठी में लेकर कलीसिया को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, क्या करना है, टोकर दिलाना है, धीरे धीरे एक एक विश्वासी को भड़काना है, धीरे धीरे एक एक विश्वासी को भरमाना है, उसका दिमाग को भड़काना है, उसका नाम को बदनाम करना, चुटली लगाना है, आपस में लड़वाना है, आपस में एक मंडल को तोड़वाना है। इसी तरह जो अंगूर का फाड़ी को बर्बाद करना, हालेलुया, कुछ विश्वासी पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा दिलवा देता है जाकर। दूसरा विश्वासी क्या करता था, अच्छा बसा हुआ घर को भी बिगड़ा देता है, पति पत्नी को पाप करवा देता है। पिछले दिनों में हमारा चर्च में हुआ है, चर्च से निकाल दिया, शादी शुदा हो गए, लेकिन विश्वासी के साथ क्या अंदर रिश्ता, एक बार लोमड़े उसका क्या करना, पकड़ लो इस तरह की लोड़े को, लोमड़े को पकड़ के क्या करना, त्याग का वाणी का बाहर लेकर देना, नहीं तो क्या करेगा, सबको बर्बाद करेगा। हालेलुया, सबको क्या करेगा, मोबाइल में टिक करेगा, हाय हाय, शादी शुदा विश्वासी कितना गंदे का, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, मारा मारी, रात को मोबाइल में काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे टिप रहा है, किससे बोल रहा, झगड़ा होता नहीं होता, आखिर में मेरे पास आता क्यों है, उसको कौन बिगड़ाता है, परिवार को, परिवार को पति पत्नी के बीच में का बेर ग्रहण को कौन बिगड़ाता है, लोमड़िया, ऐसा कुछ लोमड़िया आता है, ऐसा वाला चर्च में बहुत हुआ है, नाम नहीं बोला जाता, आप लोगों ने कुछ लोगों का मन चर्च से निकाल दिया। एक परिवार उसी एक लोमड़ी का खा रहे हैं, एक 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 लड़की का खा रहे हैं, बर्बाद हुआ, पति पत्नी अलग हुआ, अभी तक अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करेंगे, अभी तक पति पत्नी अलग है, कई साल हो गया, क्यों, उन लोगों का बहुत अच्छा जिंदगी था, अच्छा परिवार था, उनका एक बेटा बेटी था, उसे बच्चा लोग को भी कितना साल उम्र हो गया, तकरीबन 12-13 साल उम्र हो गया, तब एक लोमड़ी उसका अंदर घुस गया। हालेलुया, सावधान रहिए, हमारे अंदर कभी लोमड़ी नहीं होना चाहिए, हर एक को चौकस होना है, अपने को बचाना है, मेरे अंदर में कोई लोमड़ी नहीं घुसना है, मेरा परिवार को बचाना है, मेरा परिवार में किसी प्रकार की लोमड़ी बाहर से नहीं आएगा, बैठ लेकर आएगा लोमड़ी, बैठ लेकर ही लोमड़ी आएगा, विश्वास के नाम पर ही लोमड़ी आएगा। अपना परिवार को बचाओ, अपना बच्चा लोग को बचाओ, बेटा बेटी, जवान बेटा बेटी को बचाओ, लोमड़ी आपके जीवन में आएगा, आपको पवित्रता के साथ परिवार के जीवन जीना नहीं देगा, कैसा भी पति का विरोध में, पत्नी का विरोध में, माँ बाप का विरोध में, बच्चों का विरोध में आपको बिगड़ाने के लिए ऐसा लोमड़िया आएगा परिवार में। हालेलुया, हालेलुया, आदम को प्रभु एक काम दिया, क्या करना है, तो वाड़ीगा को संभाल, वाड़ीगा को संभाल, संभाला नहीं संभाला, कौन घुस दिया, सैतान घुस दिया, प्रभु बोला तुम दोनों एक तन बनकर रहेंगे, लेकिन जब ये लोग एक साथ नहीं रहा तो आदम को छोड़कर अब वो अकेला घूमने चले गया, तब शैतान उसको पकड़ लिया। हालेलुया, आज हमारे जीवन में जो लोमड़िया चर्च के अंदर में कुछ लोमड़िया को रखा है, सुनेगा यीशु का 12 चेला में एक लोमड़िया था, यीशु का 12 चेला में एक लोमड़ी था। हालेलुया, इसलिए वो भी क्या किया, यीशु के साथ घुरा, यीशु के साथ बैठा, यीशु के साथ टूटा, यीशु के साथ खाया पिया किया, यीशु के साथ को जाकर चमत्कार किया, चिंतित किया, दुष्टात्मा बनाया, मुझे तो निंदा किया, लेकिन क्या था आखिर में, लोमड़िया था, यीशु के साथ बैठ गए, वो क्या किया, प्रभु मुझे मिल लिया। आप जो भी हो, आप लोमड़ी हो, जो भी हो, आपको जब आत्मा का बोल करके मैं बिल्कुल तैयार हूं, आपका प्रभु वचन दे देता। हालेलुया, प्रभु ने दिया कि नहीं, प्रभु नहीं करता है, कहीं युद्ध करिएगा तो मुझे पकड़ाने वाला है, इसको प्रभु वचन नहीं देना है, इसको पैर नहीं धोना है, प्रभु जानता नहीं, जानता पहले से,
यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं 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 रुकाता है, आप कड़े रुकाने वाला, आप पाप करके गलत करके और हर बाहर की गंदगी कचरा विपचार करके वजन को जान के अन्नाधिकारी करके नशा करके आप जो भी करके आएंगे तो भी हम प्रभु भोजन देंगे। आना सिस्टर हाँ बोलिए, बहुत नींद आ रहा है। एक तो पढ़ना लिखना नहीं आता है तो कम से कम काम तो है, सुनो इतना दूर लॉकडाउन में भी आ गया, थोड़ा सुनो बुझे बचे हिंदी बुझे बचे सिस्टर तुम्हें तो बुझे बचे ना हिंदी, अरे बोलो बुझे बचे नहीं बुझे बचे बगल वाला बुझे बचे हिंदी तो सोचते क्यों हालेलुया। क्या करे, कुछ लोग हैं वो जानता है प्रभु बताता है समझाता है फिर भी मैं किसी कभी प्रभु को जो माना नहीं करता, वो बड़ा बुरा जान लिया अच्छा बुरा जान लिया लेकिन जब वो हाथ फैलाएगा मुझे भी प्रभु को दे दे माना नहीं करता फिर माना नहीं करता हो, जब वो हाथ उठा के बोल दिया फिर दिल तो तैयार हो, बस तैयार हो ना तैयार हो तुम्हारा सिर पर है। इसे चर्च में दोनों रहेगा, डाका बाड़ी में लोबड़िया भी रहेगा, डाका बाड़ी में लोबड़िया लोबड़िया क्या करना मन में लोबड़िया क्या करना मन में वो अपना मात बनाने का चक्कर में अपना मात बनाने का चक्कर में क्या करेगा अपना मात बनाने के चक्कर में जो दाग लगा का जड़ को फाड़ देगा, उस वो दाग लगा का जो जड़ है सारी का सारी जो मंडली में सारी दाग का भाड़ी में फैला हुआ कि नहीं, ये जड़ से ना उसका क्या होगा, खाना मिलेगा पानी मिलेगा खाद मिलेगा जड़ से उसका जीवन मिलता, लेकिन ये लोपड़ी अपना फायदा के लिए अपना के लिए अपना मांत बनाने के लिए तो सोचिए एक एक डाका लताका जड़ कट कट जाएगा, डाका लता क्या होगा सूख जाएगा तो फल मिलेगा उसको, उसका तो फलेगा नहीं। आज कितना विश्वासी रहता है लेकिन सूखा हुआ ढाली फल नहीं देता है, क्यों फल नहीं देता है, कहीं ना कहीं लोग ने काट दिया उसको, दिखाई नहीं देगा जहां पर जाकर लोबड़ी काटता था जमीन कंकर में जाकर उसको काटता है, जमीन कंकर में जाकर काटता है इसलिए बाकर दिखाई नहीं देगा। आई चर्च में भी ऐसा ही चलता है, कुछ लोबड़िया ऐसा ही बर्बाद करता है, खुला खुला नहीं बोलेगा आमने सामने नहीं बोलेगा, पीछे जाके चुटकी लगा के क्या कर देगा जड़ कर देगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत से विश्वासी लोग बहुत से सेवा करने वाले पीछे से बोलने वाला भड़काने वाला भरमाने वाला हालेलुया पिछले दिन में सुनने में मिला है, यहाँ काम करने वालों को एक बहुत पुराना विश्वासी बोला अरे तू इतना काम मत कर, तो बोला क्यों, अरे तुमसे भी ज्यादा हम लोग काम करता था, तुमसे भी ज्यादा हम लोग काम करता था लेकिन पास्टर ने काम करने वाला हिसाब नहीं रखता है, चलो ना खाना खा लिया ना घर जाइए ना, ये भी काम नहीं करेगा, काम करने वालों को भी काम करने वालों को भी नहीं करने देगा। हालेलुया। वैसा ही कुछ लोबड़िया है, वैसा कुछ पुराना विश्वासी है, अरे तुम इतना उछालो मत, तुमसे तो ज्यादा उछलता था। हालेलुया। इतना ज्यादा कूदा मत, शांति लो तुमसे भी ज्यादा उछलता था, शांत लो जो आत्मा से आराधना करता उसी में भी पानी डालता वो लोग क्या की नहीं। हालेलुया। बहुत ज्यादा हले हले मत देखा, बहुत ज्यादा दौड़ दो मत देखा है, जो काम करने वाले को भी रुका देता है, जिसका द्वारा
मिलता है उनके लिए हाय, प्रभु बोला उनके लिए उनका क्या करना है, प्रभु बोला के लिए क्या करना है, उसके गले में चक्की को बांध कर, चक्की का बर्तन को बांध कर गहराई के समुद्र में, सबसे ज्यादा गहरा समुद्र कहाँ है, पैसिफिक, पैसिफिक में डाल देना। हालेलुया। तो क्या दीजिएगा, इसी तरह मुझे रोक लिया है, वो ये नहीं करता जाने अनजाने में वो क्या करता है, लोगों को टोक करके ला देता है, आत्मा जीतने वालों को बता देता है, अरे इतना मत दिख रहा है। हालेलुया। एक आत्मा तुम मसीह में रख रहा है, तुम एक आत्मा जीता है, तो आपका कुंड में प्रभु रखता है और मेरा कुंड में रखता है, किसका कुंड में रखता है, अब एक आदमी का तुम लेकर आए मसीह में, तुम्हारा अकाउंट बनना पड़ेगा, तुम्हारा ना रोजगार मिलेगा, लेकिन भड़काने वाला बहुत सा लोमड़िया ऐसे कि उसका 13:3 में देखते हैं, 13:4 में, जैसे कि उसका 13:4 में आप देख सकते हैं पड़ेगा, जैसे कि ये इस्राएल बनाना होगा तो आप लोग से पहले मुझे होगा, मेरा परिवार होगा, कल आप लोग कहा गया प्रभु भोजन लेके पुलिया में, प्रभु भोजन दिया, उसके बाद जड़ा महल में प्रभु भोजन दिया, उसके बाद आगरा में प्रभु भोजन नहीं है लेकिन आगरा में मीटिंग था, आखिर में सब जगह खिलाने के बाद सारे प्रभु भोजन बच्चा हुआ हम लोग का थे। हालेलुया। सारे बच्चा वो प्रभु भजन हम लोग करते, तो कोरोना आएगा तो किसका पहले आएगा, बोलिए हालेलुया। तो लोग क्या करते, डरा जाते हैं, आज अपना लोमड़िया को पकड़ लो, कलीसिया में रहकर कलीसिया का विरोध में बोलने वाला लोमड़िया, वो दाग का वाड़ी में रहता है लेकिन दाग का वाड़ी को नुकसान करेगा, विश्वासी का दिमाग को भड़का देगा, विश्वास के दिमाग को भरमा देगा, विश्वासी का दिमाग को प्रभु से या तो कलीसिया से नहीं तो सेवक से नहीं तो अपना संगी विश्वासी से भड़का देगा, साइकिल 5 तरफ से हम इसके पहले भी बना हुआ कितना तक करना है, आप बोलिए पहले किससे भड़काएगा, यीशु से भड़काने के लिए कोशिश करेगा, बहुत लोगों ने यीशु से भड़क किया, यीशु ने जानकर भड़क किया, ऐसे तो बत्तीस में लेकर भड़क गया, पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर भी भड़क गया, बहुत लोग पाप में गिर गया, यीशु से शैतान क्या करता है उसको कैसे भी भड़का दो, यीशु से दूर कर दो, दूसरा शैतान क्या करता है, यदि वो यीशु को नहीं छोड़ा है, यीशु को पकड़ कर रखा है तो क्या करेगा, कलीसिया से भड़का देगा, किसे भड़का देगा, एक कलीसिया जो आपकी कलीसिया वहां से क्या करना है इसका भड़का दो, जो डाली मुझी में है उसके मैं चाटूंगा ताकि वो और फले, जो डाली मुझी में है लेकिन नहीं फलता उसके मैं काट दूंगा। हालेलुया। जब डाली काट दिया है तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, उसका कलीसिया से निकाल दो, कलीसिया से अलग कर दो, कलीसिया से दूर कर दो, कलीसिया जाने में रुका दो। हालेलुया। शैतान नहीं करता है, कितना विश्वासी पहले रविवार को आता था, शनिवार को आता था, और जहां पर खाते मीटिंग आता था पूछ के फोन करके पूछ के पास आज कहां मीटिंग में आएंगे करके बोल के पूछ कर आता था, आज क्या हो गया, खत्म, आज धीरे धीरे शनिवार को आता है खत्म, शनिवार दिन में आज सोचे कलिकापुर का विश्वासी सिर में नहीं आता, कुमारपुर का विश्वासी नहीं आता, जो है चंडीगढ़ का बिल्कुल रस्ते नजदीक में एक बस प्रार्थना खाना बना के घर में बेकार बैठा रहेगा, अरे तो बेटा
जहां बाल बढ़ेगा झील बढ़ेगा, जहां झूठ बढ़ेगा प्रॉब्लम बढ़ेगा। हालेलुया। फ्रेंड का काम में भी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, गलत तो पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड का काम पांच में लिखा है, शुरू से पढ़ लीजिएगा। जब जेलरों का संख्या बढ़ा, पांच में जेल में जेल के एक से लेकर उन दिनों में जब जेलरों का संख्या बढ़ते लगे, ध्यान दीजिए, जब कलीसिया छोटा था तब प्रॉब्लम नहीं होता, समझ माना कि नहीं? जब कलीसिया बढ़ गया है में भीड़ बढ़ने से अपने प्रॉब्लम होता है, सीधा क्या करना है? पास्टर से जाकर बताना है कि नहीं? पास्टर ऐसे सब प्रॉब्लम हो रहा है, बोला कि नहीं बोला? लेकिन कुकड़ाना माना क्या है? कुकड़ाना पाप है। कुकड़ा के सारी इसराइल जंगल में ढेर हो गया। ये क्या करता कुकड़ाता? कुकड़ाता मतलब क्या है? उधर जाकर बताएगा पास्टर ऐसा है ऐसा है, इधर जाकर बताएगा पास्टर ऐसा है ऐसा है, पास्टर का पत्नी वैसा है वैसा, पास्टर का बच्चा वैसा है वैसा, पास्टर का मिनिस्ट्री वैसा है वैसा, पास्टर का प्रचार वैसा है, पास्टर का आराधना वैसा है, पास्टर का गल्ला वैसा है, पास्टर का घरना वैसा है। क्या जाएगा पीछे जाकर कुकड़ाएगा? जब मेरा चमड़ा पास्टर कौन बने पत्रोस था, उसी दिन में चर्ची का पास्टर बने रविवार को दो चार लोगों को खाना खाना खिलाना
लेकिन किसी जाने के बाद क्या करेगा?
अंदर से पढ़ाते बात करेगा आपके पास जो है इस पास वो भी नष्ट हो जाए होता है नहीं होता कुछ अंदर से तो बात बोलते रहेगा उनका बारे में इनके बारे में वो ब्रदर वो सिस्टर वो बेटा वो बेटी वो सेवा वो ये करके अंदर से बात आपको बुराई बोलते रहेगा दूसरे के बारे में हालेलुया दूसरे के बारे में क्या करेगा बुराई बोलते रहेगा उसी तरह के लोगों का चर्च अपना घर में अनुभव दीजिए आपका दिमाग भड़क जाएगा आपका जीवन भड़क जाएगा कोई उन लोगों बोलिए स्टॉप कीजिए आप जो सिस्टर के बारे में बोलना चाहते चलिए हम दोनों जाकर उनके सामने बोलेंगे बुला कर देखिए वो आएगा आएगा नहीं आएगा कहा अभी इधर आकर चंदा के बारे में बोलता है चंदा वैसा वैसा एकदम क्या करना है लक्ष्मी क्या करना है चलो सिस्टर हम चंदा के सामने जाकर बोलेंगे नहीं नहीं पापा नहीं बोलना हम बुला कर बोलता नहीं बोलता है प्रेतरा क्यों है रोबड़िया है कलिशा को बिगड़ा देना चाहते आपस में मेल मिलाप को तोड़ देना चाहते कलिशा का आपके बीच में सेवक और आपके बीच में विश्वास और आपके बीच में जो संबंध है उसको तोड़ देना चाहते हैं बिगड़ा देना चाहते हैं हालेलुया पहले यीशु से बिगड़ाएगा और कलिशा से बिगड़ाएगा और सेवक का विरोध में बोले सेवक का जो आज से प्रभु को लेता है उसके बारे में विरोध में बोलकर तो कहा जाए आत्मा की नहीं किया ना जब वो रोटी लिया सीधा जाकर चुप देकर पकड़ा दिया चुपचाप पकड़ा दिया किसी को नहीं जानता किस चीज का लिया है हालेलुया हालेलुया तुम्हारे बीच में ऐसा ऐसा लोग उठ खड़ा हो जाएंगे हाँ चेलों को अपना पास खींचने के लिए उनको ना छोड़ेंगे तुम्हारे के बीच में ऐसे ऐसे मन छूटेंगे बाहर से नहीं रहेंगे तुम्हारे बीच में कलिशा के अंदर में ऐसा कुछ लोग को सैतान अभिषेक करके खड़ा कर रखेगा जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने चेलों को अपना पीछे खींचने के लिए टेढ़े मेढ़े बात करें घर में आएंगे आपके साथ बैठेंगे आपके साथ बात करेंगे लेकिन टेढ़े मेढ़ा बात करेंगे हालेलुया थोड़ा सा याद करके देखिए पिछले दिनों में ऐसा ऐसा कुछ विश्वासी लोग आपके पास आए होंगे जरूर दूसरा के बारे में कड़े मेरे बात करेंगे सेवा का विरोध में कड़े मेरे बात करेंगे सेवा का विरोध में उनका परिवार का विरोध में कड़े मेरे बात करेंगे ऐसा है अनुभव किसी के जीवन में हाथ उठा कर देंगे कितना लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव हालेलुया है आप हाथ नहीं उठा रहे तभी उस पर क्या हो जाएगा मन में जानी अनजानी आप भी समझ हो जाएगा काम से वो दस बात बोला आप भी अच्छा नहीं कि एक बात बोलेगा ही बोलेगा नहीं बोलेगा तो आप भी फंस गया तो आप करोना फैल गया कि नहीं करोना फैल गया नहीं फैल गया इसके इलाज नहीं है करोना का जैसा इसके भी इलाज नहीं है लेकिन वैक्सीन है दीपा जाने का पहले वैक्सीन है क्या है वही है बच्चा सुन ले वैक्सीन क्या कर दो हर जान से था जैसे जैसे पत्रों के बोला वैसा बोल दिए हर जान से था तो मुझे डॉक्टर कराने को आएगा हालेलुया 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 आज अपना जीवन को थोड़ा सुधार दीजिए ये अंधे समय है बड़ा बड़ा पाप हम नहीं करेंगे खुला जाकर विपचार नहीं करेंगे खुला जाकर मर्डर नहीं करेंगे खुला जाकर चोरी नहीं करेंगे खुला जाकर मूर्ति पूजा नहीं करेंगे लेकिन इसी तरह की कुछ क्या आएगा आएगा वो क्या करेगा लोगों को अपने तरफ छाटने के लिए आपका एक छाया विस्तृत के लिए आप जो दिया है सांता पार्टी के लिए वो चिकनी चुपड़ी बात बोल के हालेलुया ये होगा अंधे समय में होगा आपका दिया हुआ चाय पानी नाश्ता करके आपके घर पर बैठ के चिकनी चुपड़ी बात बोल के फलाना आपके दिमाग में फैला कर चल जाएगा साथ ही साथ वो भी लेगा आपके पास अभी तेल लेयर ले लो है ना कोरोना का तेल ले वो अपना थैली में भरकर लेकर जाएगा और कहीं बांटने के लिए आप ये सोचिए आपके पास जो आकर कोरोना दूसरा लहर को फैला रहा है वही आपके पास लेकर जाकर तीसरा लहर फैला वो क्या
दिया आपके नाम तक इतनी रहेगा प्रभु का दूरी पुकड़े तक इतनी रहेगा हमारा पीछे में रहेगा हमारा साथ आराधना करेगा हमारा साथ प्रभु बने देगा लेकिन दूरी टूटते समय वो अलग रहेगा बाकी अलग रहेगा खाली बता के प्रभु के नाम को अपने जगह पर खड़ा हो जाए अपने जगह में खड़ा हो आप प्रार्थना करिए प्रभु इसी तरह की कोरोना से हमें बचा ले इसी तरह की आर्थिक कोरोना स्पिरिचुअल कोरोना हर का बचा ले ये कोरोना में भी अफेक्ट नहीं होना है जीवन शफा तबा कबला ये कोरोना ऐसा कोरोना है आप मुंह बांध ले नाक बांध ले आप कुछ भी बांध ले तो भी अंदर दिमाग के अंदर तक ही घुस जाता है आपके दिमाग को खराब कर देता है आपका जिंदगी पीता पर